नमस्कार, मैं हूं परवीन अलावत और आप सभी जानते ही हैं कि जो 1983 बर्खास्त पीटीआई का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसी सिलसिले में आज जो बर्खास्त पीटीआई हैं उनके जज्जर का प्रतिनिधि मंडल है, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता है, उनसे मिलने के लिए यहां पे दिल्ली आए हुए थे। हम भी यहाँ पर दिल्ली आए हुए तो जानते हैं। सर, ये बताए कि आज राज्यसभा सांसद से आप मिले हो, क्या आश्वासन इन्होंने दिया है और क्या आपकी मांग है? जी, हम बिल्कुल ही मिले हैं, क्योंकि हम पिछले कई दिन से इस बात से परेशान हैं कि जो 1983 साथी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी नहीं ठहराया है और सरकार ने जल्दबाजी करके इनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, रोजी रोटी लोगों को नहीं मिल रही है। अब इनमें से यूँ मान के चलो, हमारे 1983 में से 40 साथी लगभग एक्सपायर हो गए, हमारी जो विडो बहनें हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है, कैसे काम चलेगा? तो उस सिलसिले में आज आप पार्टी के जो राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार गुप्ता जी हैं, उनके पास आए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप पार्टी आपके कार्य के प्रति सजग है, आपको उनकी तरफ से, आप पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन है। और इस सिलसिले में राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार गुप्ता जी कल हमारे बीच होंगे, जज्जर में अनशन के ऊपर जाएंगे और हमारे को प्रोत्साहन देंगे, हमारे को उनका समर्थन मिलेगा। काफ़ी देर तक ऑफिस में सुशील गुप्ता जी के साथ आपकी बातचीत चली, किस तरह का और आश्वासन दिया है, क्या राज्यसभा में आपकी मांग उठाएंगे, इस तरह की क्या कुछ बात आपकी हुई? जी बिल्कुल, उन्होंने क्लियर बता दिया कि राज्यसभा में वो हमारे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे और वो पूर्ण रूप से उनका समर्थन हमारे को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा और ये मुद्दा है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हैं वो भी इस मांग को उठाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा भी धरने पर कह चुके हैं आप लोगों की मांग को उठाएंगे, तो राज्यसभा तक अगर ये बात उठेगी तो पूरी देश दुनिया में जाएगी, क्योंकि राज्यसभा पर सदन होता है, पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और वहाँ पर हरियाणा के जो बर्खास्त पीटीआई शिक्षक है, अगर उनका मुद्दा उठेगा तो वाकई में सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा, सरकार सोचने पर पूरी तरह से है मजबूर वो होगी। शुक्रिया।